garba, 10 steps. So 10 step dodia, as it is called in surat, is a set of steps. Jaise matlab, we are going to show you how surat dances to navratri, to any garba song or even any Bollywood song probably, jisme thoda sa garba beat ho. So aap ye step aap seekh sakte hain garba nights mein, you can rock the garba night. So do check the entire series. Maine 6 step dodia dala hai, 10 step dala hai, 13 step bhi dala hai. So aap sabhi dekhiye, see the difference and see how you can pick it from a video. If there are any doubts, please connect with me on Instagram. Yahan mere comments band hai. Connect with me on Instagram and do let me know what you think of the garba tutorials. So guys, let's get started. And jo log naye hain mere channel pe, wo log please subscribe button daba dijiye and bell icon bhi press kar dijiye. Okay guys, let's begin on the footwork. Pair se start karte hain. As I said, dodia ya koi bhi garba, you always begin on your right foot. Right pair se shuru hoga aur apne right side mein aage badhega. Apne right hand pe circle aage badhta hai. To ye mera right foot aur ye double step hai. मैंने सिक्स वाले दोड़िया में आपको सब एक्सप्लेन किया डबल स्टेप. सो दिस इज अ डबल स्टेप, लेफ्ट लेग राइट लेग एंड फोर्थ काउंट में आप लेफ्ट लेग को आगे से नहीं रखेंगे, अपने पीछे से, तो ये लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा पीछे से करके डबल स्टेप. ओके, सो ये इसका डिटेल देखने के लिए आप जरूर सिक्स स्टेप दोड़िया वाला ट्यूटोरियल देखिए. लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ एंड मैं आपको बाकी के सिक्स स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज अ 10 स्टेप ट्यूटोरियल. 1 2 3 4. 4 के बाद आप फुटवर्क देखिए, राइट लेग बाहर और आगे. 5 एंड अब इस पे वेट रख देना है और लेफ्ट लेग को हटाना है वहां से. अंदर सर्कल, ये सर्कल का अंदर. आउट इन, तो क्या किया, किया 5 and 6 7. सो क्या किया, राइट आगे लेफ्ट अंदर. 5 6, तो यहाँ 4 कंप्लीट किया, फिर किया 5 and 6 7. अब यही पैर लेफ्ट लेग को पीछे लेंगे. 8 डबल स्टेप. 9 में राइट को पीछे लिया, 10 में घूम. Guys, I don't know how easy or difficult it is for you to learn. जिन लोगों को थोड़ा भी करना आता है वो शायद सीखेंगे इसमें से, और जिनको नहीं आता है आप राइट लेफ्ट वाला इंडिकेशन समझिए एंड ट्राई करिए. राइट स्टेप, लेफ्ट लेग, राइट लेग पीछे से, लेफ्ट लेग राइट आगे लेफ्ट अंदर पीछे पीछे. तो फिर से 1 क्या 1. लेफ्ट टू द हैंड्स, 2 3 4. अब इसमें हैंड है 1 और आगे क्लिक रोल क्लिक क्लिक. तो क्या किया, इधर से दिखाते हैं हम आपको. क्लिक रोल क्लिक क्लिक, तो ये पैर के साथ किया क्लिक, फिर किया रोल जब पैर आगे है, फिर ये वाला पैर लेफ्ट लेग किया क्लिक क्लिक, हाथ को किया आउट इन, फिर यहीं से ऐसे पीछे गए पीछे गए पीछे गए, टर्न लिया. फिर से 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 and 6 7 8 9 10. So I hope guys आपको आ जाए. For very basic people, at least start with this double step. Key step, double step and go, step and go, step and go. इतना practice करिए, फिर आप indication समझिए कि कैसे पीछे से turn होते हैं, कैसे आगे से. आगे से जाने का मतलब है अपने आगे जाना, अपने आगे पीछे से जाने का मतलब यहाँ से. आप जहाँ हैं वहाँ से, अब आपको लेफ्ट लेग यहाँ नहीं रखना है, पीछे से फुल घूमेगा पे यहाँ रखना है. फिर आपका ये जो है इसमें एक काउंट ज़्यादा है, बट हम उसको ले लेते हैं 5 and 6 7 8 9 10.
फिर से आप जैसे ही टेन गोड़िया में ये है कि जब ये जैसे ही आपका काउंट खत्म होता है जो आपका 11 काउंट है या उसके बाद वो आपका फिर से बन है, इसी तरह से पूरा सर्किल बनता रहता है एंड दैट्स हाउ पीपल कैन कीप डांसिंग फॉर आवर्स टू द सेम स्टेप. दैट इज समथिंग सो यूनिक अबाउट गरबा कि आप सेम स्टेप करते हैं घंटों तक, फिर भी करने वाले करते हैं, देखने वाले देखते हैं एंड बोथ द पार्टीज एंजॉय इट थॉरली. So let's go first.